पार्टिसिपेट करके आए और किस तरह का इवेंट था ये? सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकारों को धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं पंकज, नेशनल एसोसिएशन स्कूल फॉर द ब्लाइंड हिमाचल से। अभी रिसेंटली मैं पर्पल फेस्ट के लिए गोवा गया था। थोड़ा सा मैं पर्पल फेस्ट के बारे में आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। पर्पल फेस्ट एक्चुअली गोवा सरकार के द्वारा आयोजित किया गया एक फेस्टिवल रहता है, जिसको हर साल गोवा सरकार आयोजित करती है स्पेशली फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। और पर्पल फेस्ट जो बात करता है डाइवर्सिटी, इंक्लूसिविटी और यूनिटी की। यानी किसी भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को उसकी डिसेबिलिटी से ना आंककर उसकी एबिलिटी पर फोकस करके उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ हर क्षेत्र में। तो इसी के संदर्भ में मुझे सौभाग्य मिला नेशनल एसोसिएशन स्कूल फॉर द ब्लाइंड की तरफ से गोवा जाने का, जहाँ पे कि मैंने पर्पल फेस्ट अटेंड किया। और पर्पल फेस्ट में हमने बहुत सी चीज़ें देखी, जिसमें कि 21 डिसेबिलिटीज़ के डिसेबिलिटी एक्सपर्ट्स आए थे, जिन्होंने सभी ने अपने अपने डिसेबिलिटी फील्ड के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और ये बताया कि इन डिसेबिलिटीज़ को ओवरकम किस तरह से किया जा सकता है। तो बेसिकली मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, तो विजुअली इम्पेयर्ड के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ है उस पर मैंने वहाँ पर थोड़ा और ज़्यादा फोकस किया। और काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो है मैथ्स और साइंस में काफ़ी दिक्कतें उनको आ रही है, केमिस्ट्री, बायो या मैथ्स में। तो मैं बेसिकली उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया और मैंने देखा कि किस तरह से अब थ्रू टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के थ्रू हम मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, साइंस भी पढ़ सकते हैं और मैथ्स के जो क्वेश्चन आंसर है उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या वहाँ पे जो था आप लोगों को सीखने को मिला, या किस तरह का आप आगे ये काम आया? देखिए सर, सीखने को तो वहाँ पर हमें बहुत कुछ मिला। नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ है उन टेक्नोलॉजीज़ को हमने देखा कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो छोटे बच्चे रहते हैं, उनको ब्रेल किस तरह से सिखाई जाएगी, कंप्यूटर किस तरह से सिखाया जाएगा। तो मेनली फोकस हमने इंक्लूसिविटी की तरफ किया है, क्योंकि इंक्लूसिविटी जो है हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंक्लूसिविटी में मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देना चाहूँगा कि इंक्लूसिविटी किस तरह से समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अभी यहाँ मैं हूँ, सपोज़ मैं एक विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और मुझे समाज के साथ तो चलना ही पड़ेगा। तो समाज के साथ चलने के लिए मुझे थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मुझे भी मारने हैं और थोड़ा समाज को भी इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। और मेनली हमने एजुकेशन इंक्लूजन वहाँ पर ज़्यादा देखा, क्योंकि एजुकेशन है तो सब कुछ है, अगर एजुकेशन नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। एजुकेशन अब इतनी हमारी पावरफुल हो गई है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड, जो मेरे समय में स्थिति थी कि हम किसी राइटर के थ्रू एग्ज़ाम दिया करते थे, यानी एक राइटर रहेगा और हम उसको, वो हमें क्वेश्चन पढ़ के सुनाएगा और हम उसको आंसर लिखाएंगे। लेकिन आज थ्रू टेक्नोलॉजी हमें किसी भी राइटर की आवश्यकता नहीं रहेगी और हम खुद से अपना एग्ज़ाम, अपनी पढ़ाई, अपना सब कुछ इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो मोबिलिटी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, हर तरह का काम खुद से किया जा सकता है। ये जो पर्पल फेस्ट है, बेसिकली सभी राज्यों की सरकारें इसमें आई थी, लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हिमाचल सरकार का इसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था। तो मेरी हिमाचल सरकार से भी ये गुजारिश है कि इंक्लूसिविटी की तरफ हिमाचल सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को प्रोवाइड की जाए, चाहे वो बैंकिंग हो या वो एम्प्लॉयमेंट हो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का भी काफ़ी हिमाचल में बहुत ही कम एम्प्लॉयबिलिटी जो है विजुअली इम्पेयर्ड को दी जा रही है सरकार के द्वारा। तो मेरा ये गुजारिश है कि सरकार भी इस पे, इंक्लूसिविटी पे ज़्यादा फोकस करे।